बांक। नहीं ए मां, माता जी बांक। ये क्या हो गया? ₹50 के ऊपर की रही थी, इकलौती है जो मुझे छोड़ कर चली गई। चलो पुष्प अर्पण करते हैं, भगवान इस लिपस्टिक की आत्मा को शांति दे। रो मत। अच्छा ज्योति चेक करी मेरी हस्बैंड की लिपस्टिक तो नहीं खराब हुई है ना? हाँ बिल्कुल बढ़िया। चले पर नमक छिड़कती है कलमुई, पीटे मुँह तेरे पीटे मुँह। संभाल बहन संभाल। क्यों चढ़ कर चली है? जो चला गया वो चला गया, कोई बात नहीं, हम सेल में दूसरी देखेंगे, क्या पता मिल जाए। तू संभाल अपने आप को। अरे इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, ₹500 की थी। बस। गाइस ये ड्रेस सही है? यार कीजिए क्या पहना हुआ, हम बीच में जा रहे हैं। नहीं ना, हम पार्टी करने जा रहे हैं, ढंग का पहन कुछ। यार ये क्या फूल पत्ती पहन लिया तूने, तेरे पास कोई स्टाइलिश ड्रेस नहीं है क्या? स्टाइलिश पहनना, कोई ग्लिटरी ड्रेस। यार मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए ना पहनने का, कुछ है ही नहीं। अलमारी भरी पड़ी है पर एक कपड़ा ऐसा नहीं है कि जो मैं पार्टी में पहन सकूं। yes! नहीं है यार मेरे पास कपड़े। अरे रुको रुको, एक और ड्रेस है, मैं वो पहन के दिखाती हूँ, वो तुम दोनों को पक्का अच्छी लगेगी। 2 मिनट रुकना, चेंज करके आई। ठीक है गाइस ये ड्रेस कैसी है? अरे तेजू ये क्या पहन लिया तूने, बिल्कुल टमाटर लग रही, टमाटर कितनी डेंजरस लग रही है। अरे तेरे को बोला था स्टाइलिश ड्रेस पहनने का, ऐसा कुछ कि लोग की आंख ना तेरे को देख के फटी की फटी रह जाए। अरे यार मेरे पास यही ड्रेस है, अब और कोई ड्रेस है ही नहीं, बोल तो रही हूँ मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तू एक काम कर, तेरे पास वो ब्लैक ड्रेस है ना स्ट्रैपलेस, वो डाल ले। यार मेरे पास उसकी मैचिंग की हील्स नहीं है, मेरे पास व्हाइट हील्स है। यार तो तेरे पास वो येलो वाली ड्रेस भी तो थी? येलो वाली के लिए मेरे पास मैचिंग की लिपस्टिक नहीं है, और ऊपर से मेरे को हेयर स्टाइल नहीं समझ में आती उस पे। शिट क्या करे क्या करे, अब क्या करूं क्या पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, इरिटेट हो गई हूं मैं। अच्छा 2 मिनट रुको, एक और ड्रेस है वो ट्राई करके आती हूँ, रुकना। हाँ अच्छा गाइस ये कपड़े सही होंगे? यार तीजू ये तो बिल्कुल फॉर्मल लग रहा है, क्या कर रही है, सेंस नहीं है कि तेरे पार्टी में पहली बार जा रही है? यार अब ना मैं सच्ची में बहुत परेशान हो गई, मेरे पास नहीं है कपड़े। यार ये क्या पहन लिए तेजस्वी, तूने पजामा डाल लिए, फॉर्मल ड्रेस थोड़ी पहनने के लिए बोला था, पार्टी वेयर बोला था, सेक्सी भी तो लगना है ना यार। क्या है ये, पूरे अलमारी
अलमारी भरी हुई थी बस कपड़े से, और तू कह रही थी बस पहनने को कपड़े नहीं है। यार सच्ची में मेरे पास कपड़े नहीं है, सारे कपड़े ना वेस्ट है वेस्ट। इसमें से कोई भी एक ऐसा कपड़ा नहीं है जो मैं पार्टी में पहन सकूं। सारे पुराने हो गए, कोई फट गया है, कोई कलर अच्छा नहीं है किसी का। यार तेरे पास कपड़े नहीं है तो ये कितना सारा भंडार किस चीज का है? यार बात तो सही कह रही है, मेरी अलमारी भी ना कपड़ों से भरी हुई है, और मैंने ये कपड़े ना अपनी बड़ी बहन से मांग के पहने हैं। यार सही कह रही है, कपड़े तो मेरे पास भी नहीं थे पहनने के लिए। ये कपड़े तो मैं अपनी पड़ोसी से मांग के लाई हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम उसको वापस कर दूंगी। देखा, तुम दोनों की भी सेम प्रॉब्लम है, हमारे पास कपड़े होते ही नहीं है यार पहनने को। इतनी अलमारी भरी पड़ी है, पर समझ में ये नहीं आता कि पहनने का एक भी कपड़ा ऐसा लायक नहीं होता। और अब ना मेरा पार्टी में जाने का मन नहीं है, मैं इरिटेट हो चुकी हूँ यार। मेरे को नहीं जाना किसी पार्टी में, मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने को, तो क्या करूंगी मैं पार्टी में जाके? प्लान कैंसिल। सही कह रही है, कैंसिल। पार्टी में जाएंगे नहीं, घर में ही चिल करेंगे, ठीक है? कैंसिल। सही कह रही है, घर में ही पार्टी कर लेते हैं। हाँ तुम दोनों ही समझ सकती हो यार, लड़की लड़की को समझ सकती है। सिंपल वाली, ये होगी बैकलेस वाली, ये होगी स्पोर्ट्स वाली, और ये होगी पैडेड वाली। तेजस्वी। हाँ पापा, आ रही हूँ। अरे यार पापा देख लेंगे। ये सही है। अच्छा बह गया झरना। एसिडिटी पीरियड्स में बहुत फाट आती है। कोई है तो नहीं आसपास? अरे हाँ तो सही कह रही है। उसने फिर से भाग गया। हाँ हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, नहीं 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 सही कह रही है। शिट यार शिट, बहुत लेट हो गया, आज तो मेरा बंदा मेरे को मार डालेगा। चल आ जाए, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। अरे देख कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है उसकी, ग्रीन कलर की, माय फेवरेट कलर। उसका नेक कितना प्यारा है ना। ड्रेस तो अच्छी यार, अच्छी लग रही है, इसके ऊपर सूट भी कर रही है। नहीं शिट, अरे यार लेकिन तेरे को तो पता है ना यार, शॉर्ट ड्रेस का झमेला कितनी दिक्कत होती है। हवा चल रही है तब प्रॉब्लम, इधर उधर तब प्रॉब्लम, और गली में आंटी वगैरह देखती है तो दो बातें बनाती है। जब शॉर्ट ड्रेस पहनना नहीं आता तो निकलती क्यों है पहन के? सही बात है। ले अब उसकी चाबी भी गिर गई, कोई भी नहीं उसकी हेल्प करने के लिए। चल हम हेल्प करते हैं। अरे एक तो ये ड्रेस, चाबी भी नहीं उठाई जा रही। हवा को भी अभी चलना है। ये ले तेरी चाबी। यार मैं तेरे को बता रही हूँ, ये बॉयफ्रेंड से ना बीटी बहुत होती है। सही में? ओए वो लड़की देख। ओह कितनी सेक्सी नहीं है? यार सेक्सी तो है यार, इसकी जीन्स अच्छी लग रही है। नहीं इसका टॉप तो देख कितना सही लग रहा है, महंगे वाला है। हाँ यार, यार मेरे को नहीं मिलते ऐसे कपड़े। यार मेरे को भी नहीं मिलते, सरोजनी नगर जाएंगे तो कहाँ से मिलेंगे? नहीं यार ये लड़की भी ना सरोजनी नगर से लाई होगी, मैं तुझे बता रही हूँ, मिलते सारे वहीं हैं, बस हमें नहीं मिलते वहाँ पर। अभी नहीं, सरोजनी नगर से नहीं लाई, ये पक्का जारा के शोरूम से लेकर आई है। अभी ये सब छोड़, इसके हिप्स देख, अभी इसके लिप्स देख, अभी चीक्स देख, क्या माल है ना यार, पक्का इसका बंदा होगा। हाँ बंदा तो होगा, पर पर्सनैलिटी देख क्या गच बना रखी है इसने। सही बात है, पता ऐसी लड़कियाँ होती है जो चार लोगों को घुमाती है, मैं बता रही हूँ। वो तो है ही। तेरे को नहीं लगता कि हमें लड़कों को स्टॉक करना चाहिए? अबे लड़कों में क्या है, लड़कों में कुछ होता भी है? लड़की को देख, वैरायटी वैरायटी, फिगर, कपड़े, अबे कितना कुछ होता है लड़कियों में देखने के लिए, पागल है क्या? हाँ सही कह रही है, लड़कों में देखने लायक तो कुछ होता ही नहीं है, सारे के सारे एक जैसे ही लगते हैं। पर ये लड़की क्या है यार, सेक्सी लांडिया। आहा वो अपनी तरफ आ रही है, एटीट्यूड एटीट्यूड। यार
परफ्यूम भी गच का लगा रखा है, गुची का होगा, गीची का। मोटी पार्टी है, मोटी पार्टी। मैं तो कह ही रही थी सरोजनी नगर वाली नहीं है। दूसरी लड़की देख, दूसरी लड़की का है वो वाली देख, रेड टॉप। यार इसका टॉप ठीक ठाक लग रहा है वैसे, लेकिन फिगर अच्छा है पता है। ट्यूब टॉप डाल दी ना। ओहो ये जीन्स का स्ट्रगल भी ना बिल्कुल अलग ही है। हो गया, ये बस लड़कियां ही समझ सकती हैं। आए अरे वाह कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस आई है, जल्दी से ऑर्डर कर देती सारी ड्रेसेस। यार मैं ना दुखी हो गई हूँ। क्या हुआ तेजू? यार कल से ना घूमे जा रही हूँ इधर से उधर मम्मी के कामों में, एक मिनट भी अपने लिए नहीं मिला है। रात के ना 9 बज रहे हैं, एक एक शॉप घूम चुकी हूँ, एक भी शॉप खुली नहीं मिली। कल मेरी बहन की शादी है, मैं क्या करूंगी? अरे तो क्या हो गया, वैक्स करवा लेते हैं ना चल के। यार मैं वैक्सिंग नहीं करवाती, मैं रेजर मारती हूँ। और तेजू तू रेजर यूज करती है? मुझे पता है रेजर के कितने नुकसान है, एक तो लंबे लंबे बाल आते हैं, ऊपर से स्किन भी काली हो जाती है। तू रेजर मत यूज करा कर, तू वैक्स करवाया कर, वैक्स बहुत अच्छी चीज होती है। यार मेरे को ना ये सब सहन है, पर वैक्सीन का दर्द मुझसे सहन नहीं होता। एक बार करवाई थी मैंने यहाँ के, इतने से बाल हटवाए थे, वो भी मम्मी ने जिद करा था कि एक बार करवा के देख ले, तो मैंने करवा ली थी। इतना दर्द हुआ था ना कसम से, उसके बाद मैंने आज तक वैक्स नहीं करवाई है कभी भी, मैं हमेशा रेजर ही मारती हूँ, मेरे को रेजर ही सही लगता है। और कल मेरा ना जो लहंगा है ना वो स्लीवलेस है, अब मैं कैसे पहनूंगी, देख बाल देख। नहीं तेजू वैक्स में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, और वैक्स के ना बहुत ज्यादा फायदे भी है। वैक्स से एक तो बाल भी निकल जाते हैं और स्किन की टैनिंग भी रिमूव हो जाती है। और एक और फायदा है, लड़कों को ना गोरी गोरी चिकनी स्किन बहुत ज्यादा पसंद है, तो लड़के भी बड़े आराम से पट जाते हैं। वैक्सिंग में दर्द भी तो बहुत होता है, बेनिफिट इतने सारे तो दर्द भी तो बहुत सारा है। देख तेजू और कोई ऑप्शन तो तेरे पास है नहीं, रात के 9 बज रहे रेजर तुझे मिलेगा नहीं। मेरी ना एक दोस्त है डॉली, उसको ना बहुत अच्छे से वैक्स करनी आती है, वो वैक्स करती है ना पता भी नहीं चलेगा, देखो तू पलक झपकाएगी उससे पहले तेरी सारी वैक्स हो चुकी होगी। दर्द नहीं करवाती वो? अरे नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो अभी कर देगी क्योंकि मेरे को इमरजेंसी है, कल तेरे को पता है कजन की शादी है, मैं कैसे हैंडल करूंगी। हाँ बात करनी पड़ेगी, लेट तो हो गया लेकिन शायद मान जाए। प्लीज मना ले यार, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। हेलो डॉली, यार मेरी ना एक दोस्त है, उसको ना वैक्सिंग करानी है। यार मुझे पता है काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन प्लीज़ यार मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ठीक है मैं लेकर आती हूँ उसे। यार पर वैक्सिंग में तो दर्द होगा ना, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। पर शुक्र है तेरी दोस्त का, उसका भगवान भला करे कि एट अ टाइम हमारी हेल्प करे, वरना रात को 9 बजे मैं कहाँ जाती और क्या करती। पर यार डर बहुत लग रहा है मुझे। अरे तू चिंता मत कर, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। यार देख पक्का बता, वैक्स में दर्द तो नहीं होगा ना? अगर दर्द हुआ ना तो तेरी ऐसी तैसी कर देनी मैंने। नहीं नहीं यार, मैं तो तेरी कितनी अच्छी दोस्त हूँ, मैं तुझे दर्द थोड़ी दिन खाऊंगी, तू मुझ पर विश्वास कर, चल चल वैक्स करते चल के। देखिए वैक्स ना चेक करके लगाइएगा, कहीं गर्म ना हो वरना मेरी स्किन जल जाएगी। अरे गर्म हो गई लफड़ा ही नहीं है, हम यूज करेंगे हीट वैक्स। हीट वैक्स ठीक है। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, बहुत ही आराम से वैक्स करेगी, बढ़िया हो जाएगी। पक्का ना दर्द नहीं होगा? यार मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो करें स्टार्ट। सुनिए ज्यादा दर्द तो नहीं होगा ना? मैंने सुना है कि अंडरआर्म्स में सबसे ज्यादा दर्द होता है। अरे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बिल्कुल ना नाम मात्र वाला दर्द होता है। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, मैं कर रही हूँ ना। अच्छा वो ना मेरी फ्रेंड बता रही थी कि ना वो क्या कहते हैं उसकी ना एक बार वैक्स करवाते हुए स्किन भी साथ में निकल गई थी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ना आपको झूठ बोल रही होगी ताकि आप ना करवाओ, बस वही सुंदर लगे, समझा करो बातों को। ब्लीडिंग तो नहीं होगी ना? क्योंकि देखो मैं रेजर यूज करती थी तो रेजर के बाद ब्लीडिंग तो होती है, तो ब्लीडिंग। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लो, कल शादी में जाना ना, हॉट ब्यूटीफुल दिखना है नहीं दिखना, बस फिर करवा लो। अरे तेजू वैक्स कराना चुपचाप। यार जाना है ना कल फंक्शन में, दिखने आना बिल्कुल खूबसूरत, तो करवानी पड़ेगी। यार फर्स्ट टाइम की वैक्स का ना डर ही कुछ और होता है। ज्योति हाथ पकड़ इसके, पकड़ कर दे डॉली। नहीं प्लीज कर दे तू, कम ऑन डॉली।
दे। पता कि दर्द नहीं होगा। हाँ तू क्या कह रही थी, वैक्सिंग में दर्द नहीं होता। और तू तू क्या कह रही थी, मैं तो प्रो हूँ, तू एक ऐसा वैक्स करूंगी कि चीटी काटेगी। इतना दर्द करवाया, छुड़ाया तुमने।